भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। स्वाभिमान पार्टी द्वारा ऐलान किया गया कि फतेहपुर उपचुनाव में पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी। स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव सूद ने बताया कि पार्टी ऐसा प्रत्याशी उतारेगी जो जनता की सेवा करने वाला हो और वर्तमान व्यवस्था से राहत दिलाने वाला हो। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया कि जो नेता वोट मांगने आते हैं वो वोट मांगने के बाद अपने घरों में बैठ जाते हैं और कोई काम नहीं करते। बलदेव सूद ने कहा कि पार्टी ऐसा प्रत्याशी उतारेगी जो देशभक्त होने के साथ लोगों की सेवा करने में विश्वास करता हो। उन्होंने कहा कि पार्टी की नजर में ऐसे चार युवा चेहरे हैं जिनमें से किसी एक को तय कर उनके लिए प्रचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश की 30 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी विस्तार कर रही है और इन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी अच्छे लोगों को चुनकर चुनाव लड़वाएगी। पार्टी ने तय किया है कि अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें जो फतेहपुर विधानसभा चुनाव है उसमें हम एक अच्छा व्यक्ति खड़ा करेंगे, तो जो समाज की सेवा करने वाले हो, वो वर्तमान व्यवस्था से जो त्रस्त है जनता उस व्यवस्था से राहत देने वाले हो, क्योंकि स्वाभिमान पार्टी ने तय किया है कि हम वर्तमान व्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन करेंगे और देश का जो नेतृत्व है अच्छे ईमानदार लोगों के हाथ में देंगे और जो जिनको जनता चाहती होगी। क्योंकि होता क्या है कि अभी जो चुनाव में आते हैं लोग वोट मांगते हैं और उस वोट देने के बाद चुनाव जीतने के बाद वो अपने घरों में बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। देश की जनता जो बड़ी पीड़ित है, तो देश की जनता को राहत देने के लिए स्वाभिमान पार्टी ने तय किया है कि हम जो प्रतिनिधि चुनेंगे वो देशभक्त होगा, ईमानदार होगा, कर्मठ होगा, ताकि वो देश की सेवा कर सके, ईमानदारी से काम कर सके। इसलिए हमने ये लोग अपने जो विधानसभा चुनाव आने वाला है इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे ध्यान में यहाँ 4-5 लोग युवा हैं, उनमें से एक व्यक्ति चुनकर हम खड़ा करेंगे और जनता से हम निवेदन करेंगे इस व्यक्ति को आप मतलब आगे करो और चुनो, ताकि वो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार काम कर सके। तो स्वाभिमान पार्टी जो अभी 2022 की भी तैयारी कर रही है, 2022 का जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें भी हम अच्छे अच्छे लोग जो हैं, अभी तक हमारा पार्टी का लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों में काम जो है वो चल रहा है और हम अच्छे अच्छे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है यहाँ कांग्रेस और बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी और बारी बारी इनकी मतलब जो अपने आपस में बातचीत है उस बातचीत को तोड़ने के लिए, ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए स्वाभिमान पार्टी आगे आई है और हम जनता से अपील करते हैं कि स्वाभिमान पार्टी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा खड़ा उतरेगी और आप स्वाभिमान पार्टी को अपना सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।